हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ आपकी दोस्त पोपो कोको। तो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एक नए वीडियो लेके आई हूँ, और जो लोग मेरी चैनल पर नए हैं उन सभी को स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को घर बैठे ही एक यूनिक एंड सिंपल तरीके से वाइन बनाने वाला, हमारे ट्रेडिशनल स्टाइल में, ट्रेडिशनल मेथड्स में आप लोगों को सिखाऊंगी। तो दोस्तों, बने रहना मेरे साथ, बहुत ही मज़ेदार होने वाला है आज का ब्लॉग। मैंने उस दिन मेरी दूसरा ब्लॉग में आप लोगों को दिखाया था इसका जो निकालने का जो प्रोसेस है, और कहाँ पे उगते हैं और किस तरह से इसका जो पेड़ होते हैं आप लोगों को मैंने दिखाया। और ये वही चीज है जो मैंने मिट्टी से कोट के निकाला था, ये है सिंग अंगन। तो आज मैं यहाँ से आप लोगों को वाइन बना के दिखाऊंगी। और ये जहाँ पे मैंने इसको अंगन को रखा है, ये जो है अपो, यहाँ से हम लोग चावल सफा करते हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए आज का वीडियो। तो सबसे पहले ये है अंगन, इसे मैं बीच से तोड़ लेती हूँ, इस तरह छोटा छोटा पीस में काट ली। अब इसे मैं यहाँ से इसको छिलका को इसको निकालना होगा। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले यहाँ से करना, इसके इस छोटी सी इस चाकू की मदद से इसको मैं खोलने की कोशिश करती हूँ। तो इसका छिलका है बहुत ही आसानी से निकल जाता है। तो दोस्तों, इसे मैंने निकाल लिया, अभी मैं इसे बारी बारी यहाँ पे रखूंगी। ओके, बहुत ही आसानी से इसका छिलका निकल गया है। तो अभी मैं इसी तरह सारे इस अंगन को मैं निकाल के इसे ही सेपरेट करूंगी। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरे सारे होने वाले हैं, छिलके खत्म होने वाले हैं। इतना सारा मैंने छिल ली है, और मेरे हाथ भी कट गए हैं, देखिए दोस्तों। तो दोस्तों, मेरी जो सारे अंगन है छिलके कंप्लीट हो गए हैं। तो हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे अभी। तो ये देखिए, इतना सारा अंगन मैंने छिल ली है, अभी मैं इससे वाइन बनाऊंगी। तो ये देखिए, अभी मैं सिर्फ अच्छी तरीके से धो लूंगी, उसके बाद आप लोगों को मैं नेक्स्ट स्टेप दिखाऊंगी। तो दोस्तों, अभी मैं इसे इस बड़ा सा बर्तन में डालूंगी, इस बकिंग में। तो इतना पानी काफी है, तो मैं इसे पिदाक दूंगी। और अभी आपको जितना हो सके कि तेज आंच में पकाना है, ताकि ये जल्दी से जल्दी पक सके। अब यहाँ पर देख सकते हैं, मेरी जो आग है उसे मैंने तेज से लगा लिया है, और मेरी जो अंगन का बर्तन है उसे अच्छी तरह कवर कर रहे हैं। और मैं अभी इससे जो अंगन है उसे मैं 30 मिनट तक पकाऊंगी। अब तक 30 मिनट ये वाइन बनने के लिए, बियर बनने के लिए, अंगन बियर बनने के लिए तैयार हो जाएगा। तो आप लोग बने रहना। और दोस्तों, ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि आप लोग एक नई चीज सीखने को मिलेगा हमारे ट्राइबल एरिया में, किस तरह अंगन बियर और राइस बियर, आप लोग को राइस बियर अंगन बियर किस तरह बनते हैं आज आप लोगों को देखने को मिलेगा। अंगन बियर और राइस बियर जो सेम तरीके है, इसका जो बनने का प्रोसेस है सेम तरीके है। आज आप ये अंगन बियर सीख जाएंगे, तो आप राइस बियर किस तरह बनते हैं वो भी जरूर सीख जाएंगे। तो दोस्तों, बने रहना, स्किप मत कीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो दोस्तों, 30 मिनट हो चुका है, अभी मैं से चेक करती हूँ।
यहाँ पे देखिए, वाओ। दोस्तों बहुत ही बढ़िया तरीके से पक गए हैं, तो अभी मैं इसे निकाल दूंगी और इसे क्या करूंगी आप लोग देखते रहिए, आगे का प्रोसेस आप लोग को दिखाऊंगी। तो ये पक गया तो इसे मैं निकाल देती हूँ अभी यहाँ पे। तो अभी अभी मैं यहाँ पे इस एपो में इसे मैं निकाल के रखूंगी ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो। इस एपो को मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से धुला दिया है ताकि यहाँ पे गंदगी ना हो। ये अभी सफा है, इसे मैं यहाँ पे डाल दूंगी। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सारा जो आंगन है उसे एपो में निकाल दिया है, और अभी इसे निकालने के बाद इसको 15 मिनट यहाँ पे एपो में रखेंगे ताकि थोड़ा सा ठंडा हो। उसके बाद ठंडा होने के बाद आपका जो आगे का प्रोसेस है आपको मैं दिखाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से पक गए हैं मेरे आंगन। जो ये है आंगन है, 15 मिनट हो चुका है। अब इसे मैं बियर में फॉर्म करने के लिए रेडी है। आप देख सकते हैं इसमें ऐसे इस तरीके से मैं इसे तोड़ूंगी। आपको इतना इतना छोटा बनाना है, इसे ज्यादा मेस नहीं करना है, बस आपको इस गुत्ता गुत्ता जो गुत्ता गुत्ता है उसे तोड़ लेना है कुछ इस तरह। ये सारे चीजों को मुझे मेरी माँ ने सिखाया है, तो मेरी माँ ने जो जो मुझे सिखाया है आप लोगों को मैं सिखा रही हूँ। ये सब मेरी माँ की रेसिपी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये, इसे हमारे भाषा में हंगसी कहते हैं और हमारे आदि मियोंग भाषा में इसे सीए कहते हैं, तो हम लोग हंगसी कहते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी हंगसी डालने वाली हूँ। यीस्ट है ये देखिए, तो यहाँ पे मैं इसे मिक्स करके डालने वाले हूँ कुछ इस तरह। इसे तोड़ लेते हैं और चारों और यहाँ पे इसे ऐसे करके मिक्स कर देंगे। ये जो प्रोसेस सेम प्रोसेस आपको राइस बियर में भी करना है, क्योंकि ये राइस बियर और ये अंगन बियर जो सेम प्रोसेस है, ये आप सीख जाएंगे तो वो भी सीखेंगे। तो इसको अच्छी तरह से इसे मिक्स कर देना है चारों और यहाँ पे इसमें फैला देना है। दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है। तो आज मैं यहाँ पे आंगन बियर बनाऊंगी, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये एक काम है, इसको मैं सबसे पहले यहाँ पे अंदर में यहाँ पे डालूंगी। जल्दी से बियर बनने के लिए यहाँ पे इसको डालना बहुत ही जरूरी है, इसलिए हमारे लोग इसको ढक के रखते हैं। राइस बियर को यहाँ से कम से ढक के रखते हैं चारों ओर से। अभी मैं यहाँ पे डाल दूंगी इसे।
तो अभी मैं इसे फिर से यहाँ पे से दाकूंगी इस काम से बहुत ही अच्छी तरीके से इसे एयर पास होने नहीं देना है, बहुत ही अच्छी तरीके से इसे दाकना है। हो गए हैं इसे मैंने अच्छी तरीके से दाग दिए हैं, इसे मैंने एक कम से कवर कर ली। तो अभी इसे मैं यहां से ऐसे दाग देना है। इस कपड़ा से मैं इसे पूरी तरीके से दाग दूंगी ताकि यहाँ पे थोड़ा सा भी एयर पास ना हो। एयर पास होने से क्या होता है, आपका जो वाइन है वो जल्दी नहीं बन पाएगा और अच्छे तरीके से नहीं बन पाएगा। तो इसके लिए आपको इसको एयर आने नहीं देना है, कस के इसको लगाना है। सो ये देखिए मेरी जो वाइन है बनने के लिए रेडी है। अभी मैं इसे 1 वीक तक रखूंगी, जब ये बियर बनेगा वाइन बनेगा आप लोगों को मैं दिखाऊंगी। तो अभी मैं इसे कहीं सेफ जगह रखूंगी जहाँ पे एयर पास ना हो, एक डार्क रूम में इसे मैं रखूंगी। वाव दोस्तों बहुत ही अच्छा बना है। मैंने कुछ निकाल के यहाँ पे रख दी थी खाने के लिए क्योंकि मुझे बहुत ही पसंद है। तो अभी अंगन बियर को बनने के लिए आपको कम से कम 1 वीक लगेगा। जब ये बन के तैयार हो जाएगा आप लोगों को मैं जरूर दिखाऊंगी। आज का जो मेरी वीडियो है मैं इसी पे खत्म करूंगी। जब वो बन जाएगा आपको मैं एक अलग सा ब्लॉग बना के आप लोगों को दिखाऊंगी। तो मेरे आज का ब्लॉग मैं इसी पे खत्म करूंगी। मिलते हैं अगले ब्लॉग पर, तब तक के लिए बाय बाय।